शामली पुलिस ने चुनाव के ठीक पहले असलहा तस्करों की कमर तोड़ दी है। जी हां, पुलिस ने हथियारों का जखीरा बरामद किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और कई दर्जन तमंचों सहित भारी मात्रा में असलहा बनाने वाले उपकरण बरामद किए हैं। पर्दाफाश करने में सफलता मिली है। इसमें थाना भवन प्रभारी संदीप बालियान और स्वाट प्रभारी मुनेंद्र सिंह, इनके कठोर परिश्रम के बलबूते हमें ये चार असलहा तस्करों के गैंग को तोड़ने में सफलता मिली है। इसमें मुखबिर की सूचना पे जब आज प्रातःकाल दर्जिश दी गई थी तो भैंसानी के जंगलों में आम के बगीचे के पीछे ईद के खेत में काम चल रहा था और हमारी टीम ने जब छापेमारी की तो उसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। दो अभियुक्त भागने में सफल रहे। जो दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं उनके कब्जे से 24 की संख्या में यानी कि दो दर्जन अवैध असलहे तमंचे बने हुए मिले हैं। इसके अलावा 13 की संख्या में बैरल मिली है, एक ड्रिल मशीन मिली है, रेती मिली है और गैस सिलेंडर इत्यादि मिले हैं, जिसमें भारी मात्रा में उपकरण भी बरामद हुए हैं। तो बाकी इन लोगों से जब पूछताछ की गई पकड़े गए दोनों अभियुक्तों से तो ये जानकारी मिली है कि इसमें पकड़ा गया मुख्य अभियुक्त फुरकान नाम का है, जो पहले भी असलहा तस्करी में और फैक्ट्री पकड़ने इसमें जेल जा चुका है, और इसके साथ एक नसीम नाम का व्यक्ति है जो पहले असलहा बनाने का काम करता था। अभी ये इस गैंग से असलहा खरीदता है और आसपास के ज़िलों में जो भी कस्टमर इससे मिलते हैं उनको बेचता है। ये बता रहा था पूछताछ में कि करीब 400 से 500 की लागत आती है एक असलहा बनाने में और करीब 2500 से 3000 के रेंज में असलहों को बेचने में कामयाब होते हैं। सर, तब से ये काम कर रहे हैं और कितने के कहां सप्लाई? जो पूछताछ की गई इनके आपराधिक इतिहास खंगाले गए तो 2015 से ही इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। फुरकान और बहरा जिस गैंग का लीडर है इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं और ये जेल भी गया था। इसी तरह से दो बार ये जा चुका है असलहों में जेल, पहले भी जा चुका है। इसी तरह से नसीम जो पकड़ा गया है उसका एक दामाद है, वो मुजफ्फरनगर जेल में बंद है। तो ये पूरा का पूरा रैकेट पिछले 4-5 सालों से असलहों को बनाने का काम करता था, असलहों की तस्करी का काम करता था, जो शामली पुलिस के हाथे चढ़ा है। और इनसे बारीकी से जब पूछताछ की गई तो इनका कहना था कि आगामी चुनाव के कारण से इनके डिमांड बढ़ गई है इनके असलहों की, जिसमें शामली पुलिस ने इनके मंसूबों को नाकाम किया है और निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट ये होगा कि चुनाव में हम लोग शांतिपूर्ण चुनाव कराने की दिशा में एक सहयोग इसमें इस घटना से मिलेगा। इसमें हम अपनी टीम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। उनको 20,000 रुपये का नकद इनाम भी हमारी तरफ से दिया जा रहा है। नेता जी कहने से बनाए जा रहे थे? नहीं, किसी नेता इत्यादि का नाम इसमें नहीं आया है। इनका कहना है कि ऐसे ऐसे गाँव के कस्टमर आते हैं, इनको जो जानकारी है, जो पहले से इनके फिक्स कस्टमर हैं उनकी भी कुछ हम लोगों ने जानकारी जुटाई है, वो आगे उन पे भी दबिशें पड़ेंगी। लेकिन फिलहाल इस पूरे बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है और दर्जनों हथियार और भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए। सर, इसमें जो फरार है उनका कुछ पता चला है? इसमें जो फरार हैं उनके नाम यहाँ पे आ चुके हैं और उन पे विशेष टीमें लगाई गई हैं। ये गैंग के एकदम किंग पिन है, पिलर है, और इस पे भी हमारी टीमें लगी हुई हैं और हम जल्दी उनको गिरफ्तार करेंगे और शायद उनसे भी भारी मात्रा में असलहे।